हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकिता शर्मा और आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम 43 डे का टेस्ट सीरीज लगाएंगे, ठीक है। इसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सूक्ष्म जीवी, और उनके जो प्लांट्स है, एनिमल किंगडम है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो पादप जगत है और उसका जो वर्गीकरण है उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, जो आपके टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट हो गए हैं। तो 1395 में आपका टेस्ट सीरीज चल रहा है, ठीक है, तो आप उसको अवेल कर सकते हैं 1395 में। टेस्ट सीरीज चल रहा है, आप उसको अवेल कर सकते हैं। स्पेशल ऑफर चल रहा है इसमें, ठीक है। इसके अंदर आपको प्री की टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, मेंस की टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, ठीक है। मेंस की टेस्ट सीरीज अभी चल रही है तो आप इसको लगा सकते हैं, उससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। जो आप एग्जाम टाइम पे जो प्रेशर रहेगा उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अभी से आंसर्स लिख के देख लेंगे। जो क्वेश्चन हम बनाते हैं वो आप लिख करके देख लेंगे, वो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। साथ ही साथ क्या करेंगे, आप खुद से भी क्वेश्चंस निकालेंगे, कुछ क्वेश्चंस खुद से निकालेंगे। कोई टॉपिक पढ़ा हमने, सबसे पहले एक टॉपिक को पढ़ेंगे हम नोट्स में, ठीक है। जैसे उस टॉपिक को पढ़ा, हम खुद से गैस करने की कोशिश करेंगे कि इसमें से क्या क्वेश्चन आ सकता है, कितने मार्क्स का आ सकता है, ठीक है। या ये जो लाइन है पर्टिकुलर, ये जो टॉपिक है या ये जो हेडिंग है, ये कितने लाइन में आ सकती है, इसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे हम उसको पढ़ेंगे, हम उसमें से कुछ क्वेश्चन निकालेंगे, खुद से लिखने की कोशिश करेंगे। इस टेस्ट सीरीज को लगाएंगे, इसमें से क्वेश्चन लिखने की कोशिश करेंगे। तो क्या होगा कि हम जब लिखने लगेंगे हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, तो वहाँ पे एग्जाम प्रेशर के टाइम पे हमको थोड़ा प्रॉब्लम कम होगा, ठीक है। लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लिखेंगे नहीं तो हम वहां पे टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। टाइम लिमिट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे वर्ड लिमिट प्लस टाइम लिमिट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए हमने ये टेस्ट सीरीज बनाई है, ठीक है। तो आप इसको अवेल कर सकते हैं 1395 में। प्लस इसमें आपको मेंस के 100 टेस्ट पेपर मिल जाएंगे, प्रीलिम्स के भी एमसीक्यूज मिल जाएंगे आपको। जब आप एक बार मेंस पढ़ लेंगे तो प्रीलिम्स के लिए आपको क्वेश्चंस आपको अपने आप ही समझ में आने लगेंगे। मेंस में क्या करें, हम कंसेप्चुअल चलेंगे, सब चीज़ अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो जब प्रीलिम्स या एमसीक्यू लगाएंगे हम, तो हमको क्वेश्चन नहीं, हमको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। उसमें क्या होगा कि सीधे आप वहाँ से फैक्ट उठा करके लगा सकते हो, पिक कर सकते हो आंसर्स पे, ठीक है, एमसीक्यूज पे। तो इसलिए ये बहुत कंपलसरी है, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। प्रैक्टिस करना है और आपको आगे की जो भी क्वेरीज हो आप इन नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जैविक कृषि ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, जैसे कि हम फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। फर्टिलाइजर्स क्यों यूज करते हैं कृषि में हम, ताकि हमारे जो पैदावार होता है कृषि का, अगर हमने एक टन के हिसाब से 20 डाले हैं गेहूं के, तो 2 टन का अगर हमको चाहिए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर उर्वरक का उपयोग करते हैं। लेकिन उन उर्वरक के साथ में क्या होता है, वक्त के साथ में क्या होता है कि आज अगर हमको 2 टन चाहिए तो जितना फर्टिलाइजर लग रहा है, अगले साल जब हम 4 टन अगर पैदावार चाहते हैं तो 4 टन के हिसाब से हमको जो उर्वरक है उसकी कैपेसिटी भी ज्यादा लगेगी, ठीक है। तो जैसे अगर इस साल 2 टन के लिए जितना उर्वरक रखा, अगले साल 2 टन के लिए उससे डबल लगेगा, तो अगर 4 टन करना हो तो उसका डबल लगेगा, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं हम अपनी जो मिट्टी है, जो जमीन है, उसको बंजर बना रहे हैं, उसको खराब कर रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी पोषक तत्व होते हैं, वो सारे खत्म होते जाते हैं, ठीक है। तो उसको लेस करने के लिए, उसको कम करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे होती है, जैविक कृषि। जैविक कृषि में क्या किया जाता है कि जो आपकी खाद है, जैसे खेत निकला, ठीक है, खेत निकलने के बाद में उसका कुछ वो बच जाता है, जो घास फूस रह जाती है ना, जो गेहूं है तो गेहूं का ऊपर का बाली का यूज कर लेते हैं और नीचे की जो डंडियां रहती है वो रह जाती है, पेड़ों की पत्तियां जो झड़ती है, गाय का गोबर है, ये जितनी घर का जो सूखा गीला कचरा है, वो जितनी भी चीज होती है, उन सबको क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे रखते हैं, सड़ाते हैं उनको, और जब वो सड़ जाता है, पूरी तरीके से कंपोस्ट हो जाता है, पूरी तरीके से सड़ जाता है, उसके अंदर एंजाइम्स पनपने लगते हैं। जब वो पूरी तरीके से कंपोस्ट हो जाता है तो क्या होता है, उसके अंदर से खाद बन जाती है, ठीक है। तो वो जो खाद होती है वो हमारी धरती को क्या करती है, हमारी जो मिट्टी है उसको क्या करती है, उपजाऊ बनाती है। उपजाऊ बनाने के साथ साथ क्या करती है कि उसके अंदर जो चीजों की कमी हो जाती है, जो न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये जितनी भी चीजों की कमी होती है वो उसको फुलफिल करने लगती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, हमारी जो मिट्टी है उसकी क्वालिटी इंप्रूव होती है। फर्टिलाइजर से क्या होता है, बहुत ही ज्यादा कम खराब होने लगती है क्वालिटी, लेकिन जैविक कृषि से क्या होता है कि उसकी क्वालिटी बढ़ने लगती है। हमारे इंडिया में सबसे पहला राज्य जो जैविक कृषि कर रहा है, पूरी तरीके से जैविक कृषि सिक्किम बना है, ठीक है। अभी श्रीलंका ने भी जैविक कृषि को पूरी तरीके से अडॉप्ट कर लिया है, थोड़े से उसके कॉन्सिक्वेंसेज हुए हैं। जैविक कृषि में उतना जल्दी रिजल्ट नहीं आता है, पर रिजल्ट आता है। इसको धीरे धीरे करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम, ऐसा नहीं कि एक साथ ही जैविक कृषि करने लग जाए, धीरे धीरे करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, पर हमको इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि फर्टिलाइजर्स की वजह से हम अपने खेत को, हमारी जमीन को, मिट्टी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो जैविक कृषि क्या होती है,
पृथ्वी की उर्वरता बढ़ाने के लिए रासायनिक खाद के स्थान पर प्राकृतिक खाद का उपयोग जैविक कृषि कहलाता है। ठीक है, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह पे हम क्या कर रहे हैं, हम जैविक जैविक खाद का यूज कर रहे हैं, प्राकृतिक खाद का यूज कर रहे हैं। ठीक है, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, उर्वरता को कम कर देते हैं, पैदावार जरूर बढ़ा देते हैं। ठीक है, पैदावार जो रहती है खेत की उसको बढ़ा देंगे, लेकिन जो उर्वरता रहती है, जो मतलब क्वालिटी रहती है मिट्टी की, उसको कम कर देते हैं, पैदावार को बढ़ा देते हैं। वहीं जैविक कृषि जो रहती धीरे धीरे पैदावार को बढ़ाती, बहुत स्लो स्पीड में बढ़ाती, पर ये इसकी पैदावार को भी बढ़ाती और जो उर्वरता है इसको बेस्ट कर देती, इसको बनाए रखती हमेशा, मतलब इसको खराब नहीं होने देती है जो जैविक कृषि। तो क्या होता है, पृथ्वी की उर्वरता बढ़ाने के लिए रासायनिक खाद के स्थान पर प्राकृतिक खाद का उपयोग हो, उसे जैविक कृषि बोलते हैं। कृमि खाद, ठीक है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ अर्थ नेचुरल फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्टिंग क्या होती है, ये जैसे मैंने सूखे पत्ते लिए, ठीक है, सूखे पत्ते लिए, साथ में गोबर लिया, घर में जो कार्डबोर्ड है आपके, कार्डबोर्ड है, गोबर है, ये सारी चीजें, इन सब चीजों को जो मिला करके क्या करते हैं हम, एक बॉक्स में रख देते हैं। ठीक है, इस बॉक्स में रखते हैं हम करीबन, थोड़ा सा मिट्टी भी डालते हैं इसके ऊपर, मिट्टी या फिर कोकोपीट बोलते हैं जिसको, कोकोपीट भी डालते हैं, या नारियल के छिलके हैं, है ना, नारियल का छिलका है, या कुछ भी चीजें, जो भी गीला कचरा निकल रहा है घर में, वो सारी चीजें हम क्या करते हैं, एक बॉक्स में डालते हैं, उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा मिट्टी उसके ऊपर वो रखते हैं, कोकोपीट भी रखते हैं, थोड़े टाइम के लिए उसको रखे रहने देते हैं, मतलब कम से कम 15 से 20 दिन उसको रखे रहने देते हैं। और उसमें कुछ लोग क्या यूज करते हैं, अगर ये अपने आप से डीकम्पोज हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो क्या करते हैं लोग, केचुए होते हैं आपने देखा होगा बारिश में निकलने लगते, छोटे छोटे से ऐसे चलते रहते, ऐसे थोड़े से इस टाइप के रहते, चलते रहते बारिश में, हर जगह से निकलने लगते हैं। ठीक है, तो उनको क्या करते हैं, उनको इसके अंदर डाल देते हैं, तो ये क्या करते हैं, जल्दी से कंपोजिशन करते हैं। अभी हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था कैटेलाइस्ट, ठीक है, वो इसका कैटेलाइजर का काम करते हैं, वो क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी इसको पूरे को कंपोस्ट करने लगते हैं। तो जब वो कंपोस्ट करने लगते हैं तो क्या बनती है, खाद बनती है, जो रेसिड्यू बचता है सारा खाद बचता है, उसके बाद में उसमें सूखे पत्ते, कार्डबोर्ड, गोबर, नारियल कुछ भी नहीं होता, उसके अंदर बस खाद बच जाती है, जो कि हल्की सी दानेदार मिट्टी की तरह दिखती है। ठीक है, तो उसमें खाद बच जाती है, इस खाद को हम यूज करते हैं हमारे खेतों में और मिट्टी पे डाल सकते हैं, पौधों में, गमलों में, कहीं पे भी डाल सकते हैं, आप घर में भी कंपोस्टिंग कर सकते हैं। आपको बॉक्स लेना है, उसके अंदर जितना भी कचरा है आपके घर का गीला, उसको डालते जाइए, थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालो, फिर गीला कचरा, फिर थोड़ी मिट्टी, फिर गीला कचरा, फिर थोड़ी मिट्टी, फिर जब पूरा बॉक्स भरा जाए, एक महीने के लिए उसको छोड़ दो। जब एक महीने के लिए आप उसको छोड़ दोगे, एक महीने बाद आप उसको देखोगे, आपको बीच बीच में हिलाते रहना है 10-15 दिन में, जब आप उसको देखोगे तो पूरा कंपोस्ट बन चुका होगा, उसको आप अपने पेड़ पौधों पर यूज कर सकते हैं, गमलों में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, आपकी गमलों को अच्छे से फलने फूलने देंगे। तो यही होती है जैविक कृषि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइजोसोम। लाइजोसोम क्या होते हैं, जो हमारा सेल होता है, सबको पता है कि लोग, किसी की भी बॉडी होगी वो सेल से ही बनती है, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, जितने भी हो, उन सब की बॉडीज कैसे बनती है, सेल से। सेल को हिंदी में कोशिका बोलते हैं। ठीक है, जब सेल से हमारी बॉडी बनती है, सेल कोशिका, ठीक है, सेल से जब हमारी बॉडी बनती है कोशिका से, ठीक है, तो उसके अंदर क्या आता है, उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि उसके अंदर एनर्जी के लिए क्या बोलते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, लाइजोसोम होते हैं, उनके बचाव के लिए बहुत सारी चीजें होती है, इसमें क्रोमोसोम्स और ये सारी चीजें, डीएनए वगैरह, ये सारी चीजें उनके अंदर होती है। तो वो क्या करता है, हमारी बॉडी को हेल्प करता है, बहुत सारे फॉरेन इन्वेजन से हेल्प करता है, उसका रिप्रोडक्शन होता है तो हमारी बॉडी को बनने में हेल्प करता है। जैसे जायगोट, जायगोट मतलब क्या होता है, जो भ्रूण में जो बच्चा होता है उसको जायगोट भी बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं, इसका नेक्स्ट स्टेज एम्ब्रियो होता है। ठीक है, तो जो एम्ब्रियो होता है ये कैसे बड़ा होता है, हम छोटे से बच्चे से इतने बड़े कैसे होते हैं, सेल डिवीजन से होते हैं ना, तो सेल क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और बढ़ते जाते बढ़ते जाते बढ़ते जाते, तो उससे क्या होता है, हमारी भी एज बढ़ती है, हमारा भी बॉडी स्ट्रक्चर बढ़ता है, हमारी फिजिकल ग्रोथ होती है, हेल्थ बढ़ती है, हाइट बढ़ती है। तो इन सब चीज़ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, सेल। अब सेल के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं,
उसके अंदर से एक है लाइजोसोम। लाइजोसोम क्या होता है, गोल संरचना रहती है इसकी, स्फेरिकल रहती है, सूक्ष्म मतलब बहुत ही छोटा सेल, आपको पता है इतना छोटा होता है कि हम उसको नेकेड आई से नहीं दे सकते, उसके अंदर भी कोई चीज है ठीक है, तो वो कितनी छोटी होगी, सूक्ष्म होता है, गोल होता है ठीक है, स्फेरिकल, और एकदम झिल्ली की तरह होता है, झिल्ली की मतलब एकदम बारीक, आर पार थोड़ा सा देख सकते हैं उस टाइप के कपड़े के, जैसे चुन्नी का कपड़ा होता है, साड़ी का कपड़ा होता है, आर पार देख सकते हैं उस टाइप का, झिल्ली की कपड़े की तरह होता है ये ठीक है। इसका जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है, गोल्जी काय में, मतलब गोल्गी बॉडी में होता है ठीक है। और इसका एक अन्य नाम क्या है, आत्मघाती थैली, सुसाइड वेसल। एक्चुअल में काम क्या होता है लाइजोसोम का, जब हमारी बॉडी में कोई बाहर से बैक्टीरिया या वायरस इन्वेड करते हैं या अटैक करने की कोशिश करते हैं, तो क्या करता है ये, इसके प्रतिरक्षण के लिए, रक्षा के लिए क्या करता है ये, उसको खत्म करने के लिए अटैक करता है उस पर। तो जब ये किसी बैक्टीरिया या वायरस पे अटैक करने के लिए उसको खत्म करने की कोशिश करता है, तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो हमारी बॉडी में जिस वायरस ने अटैक किया है या बैक्टीरिया ने अटैक किया है, अगर उसका कंपोजिशन या उसकी बनावट या उसकी संरचना सेम हमारे सेल की तरह होती है, तो ये कभी कभी क्या करता है, सेल को भी खत्म कर देता है ठीक है, उस सेल को भी खुद में खत्म कर देता है, उस वायरस को खत्म करने के चक्कर में सेल को खत्म कर देता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सुसाइड वेसिकल भी बोलते हैं, आत्मघाती थैली भी बोलते हैं, क्योंकि ये खुद को ही खत्म कर लेता है, सेल को खत्म करेगा तो खुद भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये सेल के अंदर ही होता है ठीक है। इसका यूजुअली काम क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण करना, अपने जो इन्वेजन होगा बाहर से उससे बचाना, प्रतिरक्षा करना, ये इसके बेसिक काम होते हैं ठीक है। इंग्लिश में माइन्यूट होता है, बहुत छोटा होता है, स्फेरिकल शेप होता है इसका, सिंगल कवरिंग मेम्ब्रेन होता है ठीक है, सिंगल कवरिंग मेम्ब्रेन होता है, गॉल्गी अपैरेटस में बनता है, और इसको सुसाइड वेसिकल भी बोलते हैं ठीक है। 3 मार्क्स के हिसाब से सफिशियंट आंसर है, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, जब हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे बायो का, जब मेन्स का, उसके अंदर हम ये पूरा अच्छे से पढ़ेंगे ठीक है। अभी हमको बस आंसर कैसे लिखना है, क्या लिखना है, आंसर में जो लिखा है वो क्या है, वो समझना है आपको ठीक है। हमारा मेन अभी एम क्या है, आंसर्स को समझना ठीक है। बाकी जब हम पूरा पढ़ेंगे तो मैं आपको पूरा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बताऊंगी, सेल सेल के अंदर के पार्ट्स, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है, कौन सी चीज क्या है, क्यों यूज होती है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी ठीक है। इस लाइजोसोम में क्या होता है, ये बाहर का मेम्ब्रेन है जो इसको खुद को बचाता है, ये एंजाइम है, इसके अंदर एंजाइम्स बचते हैं, वो एंजाइम्स क्या करते हैं कि इसके अंदर जो प्रोटीन होता है उसका संश्लेषण करते हैं ठीक है, या जो बाहर से कोई इन्वेजन आते हैं तो उसको भी हेल्प करते हैं रोकने में ठीक है, ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है ये ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी लाइजोसोम के बारे में। प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं ठीक है। अच्छा आपको ये, आप ये टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा कि हिंदी में चल रहा है या इंग्लिश में चल रहा है, मैं आपको हिंदी इंग्लिश हर वर्ड का, हिंदी इंग्लिश दोनों बताऊंगी, आपको लिखने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो बड़े क्वेश्चन है उनके हमने इंग्लिश यहाँ पे नहीं लिखे हैं, तो वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, उसका जो इंग्लिश में आंसर्स है वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, आप वहां से उसको प्रिपेयर कर सकते हैं ठीक है। प्रोकैरियोटिक क्या होता है, दो टाइप के सेल्स होते हैं ठीक है, प्रोकैरियोटिक भी एक टाइप का सेल होता है, कोशिका होती है ठीक है। एक होते हैं यूकैरियोटिक और एक होते हैं प्रोकैरियोटिक ठीक है। यूकैरियोटिक क्या होते हैं, जो मल्टीसेल्युलर जैसे कि हम प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं ठीक है, वो होते हैं मल्टीसेल्युलर ठीक है। मल्टी सेल्यूलर के अंदर जो यूज होते हैं, जो सेल्स होते हैं प्रेजेंट, वो यूकैरियोटिक कहलाते हैं ठीक है। और जो यूनिसेल्युलर होते हैं, यूनिसेल्युलर मतलब जिनका सिर्फ एक सेल्युलर की एक सेल से बॉडी बन जाती है ठीक है, वो यूनिसेल्युलर कहलाते हैं ठीक है। यूनिसेल्युलर जैसे जो छोटे छोटे जानवर है, अमीबा, पैरामीशियम, ये जितने भी होते हैं ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, जितने भी अमीबा, पैरामीशियम, तो प्रोकैरियोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, ये भी एक टाइप के सेल होते हैं ठीक है। ये सेल कहाँ होते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ठीक है, यूनिसेल्युलर। अब यूनिसेल्युलर क्या होता है, जिनकी बॉडी सिर्फ एक सेल से बनी होती है वो यूनिसेल्युलर होते हैं ठीक है। एक और टाइप के सेल होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक, इनको हिंदी में भी यूकैरियोटिक बोलते हैं, इंग्लिश में भी प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक यही बोलते हैं ठीक है। यूकैरियोटिक ये कहाँ होते हैं, मल्टीसेल्युलर में ठीक है, मल्टी सेल्युलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कौन होते हैं, आप, हम ठीक है, जो एनिमल्स हैं वो, जो प्लांट्स हैं, जितने भी बड़े बड़े स्पीशीज होते हैं, जो भी बड़े बड़े वर्टिब्रेट्स रहते हैं या जो स्तनधारी रहते हैं, वो सब मल्टी सेल्युलर होते हैं। तो उनके अंदर किस टाइप के सेल होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। और जो सिंगल सेल्युलर होते हैं, सिंगल सेल्युलर कौन से होते हैं, जो अमीबा, पैरामीशियम से छोटे छोटे जंतु होते हैं, जो उनके अंदर क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक।
सेल्स होते हैं, ठीक है, वो यूनिसेल्युलर, यूनिसेल्युलर का मतलब एक सेल, ठीक है, एक सेल में ही उनका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये कहाँ यूजुअली पाए जाते हैं, नील हरित शैवाल में पाई जाती है। नील हरित शैवाल क्या होती है, जो काई होती है, कंजी कंजी जम जाती है, आपने देखी होगी, ठीक है, जो कंजी काई रहती है वो यूनिसेल्युलर ही रहती है, ठीक है, वो एक साथ बहुत सारी मात्रा में होती है इसलिए हमको इतनी ज्यादा दिखती है, पर वो होती छोटी छोटी सी है, ठीक है। नील हरित शैवाल में पाई जाती है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। ये काई से बनी होती है, ये यूजुअली प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है, ठीक है। इसके अंदर जो सांस है, सांस जो लेते हैं ये लोग, ये जो शैवाल रहता है, हरित शैवाल जो कंजी इकाई है, ये सांस कैसे लेती है, इसकी झिल्ली से लेती है, ठीक है। इसके अंदर अलग से ऑर्गन्स नहीं होते सांस लेने के लिए, ये क्या करती है, झिल्ली से सांस लेती है। एग्जाम्पल इसका साइनोबैक्टीरिया। अब ये जो डायग्राम है इससे आपको समझ में आएगा, ये जो इतना स्ट्रक्चर है ना, ये इतना ही स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इससे बड़ा नहीं छोटा नहीं, ये बहुत छोटा होता है, हमको आंखों से नहीं दिखेगा क्योंकि सेल है, तो सेल हमको आंखों से दिखेगा नहीं, पर ये क्या होता है, बहुत छोटा होता है। इसी के अंदर क्या होता है, डीएनए, इनका डीएनए जो होता है वो डीएनए भी इन्हीं में बनेगा, प्रोटीन इनमें ही बनता है, ठीक है। इनका जो भी, इनके अंदर जितनी भी चीजें होती है सब इसी में बनती है। इनकी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो आउटर कवरिंग होती है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो येल्लो येल्लो दिख रही है आपको, ये ठीक है, ये जो होती है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये क्या करती है, इसको प्रोटेक्ट करती है। इसके अंदर जितनी भी चीजें होती है, प्रोटीन्स होते हैं जितने भी, उन सबको ये प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, उसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो लिक्विड होता है वो होता है, ठीक है, और उसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं, जितनी भी चीजें होती है इंपॉर्टेंट वो साइटोप्लाज्म में होती है, ठीक है। ये इसका एक सेल वॉल रहता है, ये सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो आप इसको, सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन, जो क्या करता है, इसको एक शेप प्रदान करता है, ठीक है, कैप्सूल टाइप का शेप प्रदान करता है, और इसकी बाहर की जो एटमॉस्फेयर उससे प्रोटेक्शन करता है, ये एक तरीके से इसका सेफ्टी सूट होता है, ठीक है। तो ये इसका सेफ्टी सूट होता है, इसके अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या, जब अगर इनको डिवाइड होना आता है, ये तो असेक्सुअल तरीके से डिवाइड होते हैं, ये क्या करेंगे आपस में, जैसे सेल्स डिवाइड होते हैं ऐसे धीरे 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 करके ये सेल्स आपस में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। पहले ये सेल ऐसा रहता है, ठीक है, फिर उसके बाद में ये धीरे धीरे ऐसा होने लगता है, फिर धीरे धीरे ये कट के आपस में दो हो जाते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर जो सेल डिवीजन होता है वो असेक्सुअल होता है, ये अपने आप में ही सेल को बीच में से कट करने लगते हैं, ये ऐसे बीच में से कट कर लेंगे, इसके जो चीजें वो आधी आधी इसमें बढ़ जाएगी, आधी इसमें बढ़ जाएगी, फिर वापस वो आपस में वापस कटने लगेंगे, फिर ये आपस वापस कटेगा, ये फिर वापस अलग सेल बनेगा, ऐसे करके ये सो ऑन मल्टीप्लाई होते रहते हैं, ठीक है। तो ये काम होता है प्रोकैरियोटिक का। पादपों का वर्गीकरण समझाइए, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। अब जो प्लांट्स है, एनिमल किंगडम से, ये सारी चीजों को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ठीक है, प्लांट्स किंगडम को अलग और एनिमल किंगडम को अलग, ये बहुत पहले हुआ है, और ये उनके कुछ स्पेसिफिक गुण, जो उनकी प्रॉपर्टीज होती है, जो उनका स्ट्रक्चर होता है, उसके बेसिस पे डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो इसमें अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, पादप जगत को दो भागों में वर्गीकृत किया गया, ठीक है। पहला वर्गीकरण क्या है, क्रिप्टोगैमे या अपुष्पोद्भिद, ठीक है, इनको अलग तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, और ये जो पुष्पोद्भिद है इनको अलग दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। थैलोफाइटा, जो अपुष्पोद्भिद है या क्रिप्टोगैमे है, इसमें आता है पहला थैलोफाइटा। थैलोफाइटा क्या होता है, यूजुअली ये पेड़ टाइप नहीं होते, जो छोटे छोटे गुच्छे होते हैं, एल्गी होता है, छोटे छोटे गुच्छों में जो पेड़ उगने लगते हैं, नीचे इनका कोई जड़ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता, ये बस एक जगह पे ऐसे 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 गुच्छों में उगने लगते हैं, जिनका ना पे ना रूट होता है, ना स्टेम होता है, कोई शाखा नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, ये बस एक गुच्छों में ऐसे उगने लगते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो थैलोफाइटा की कैटेगरी में आते हैं, जैसे एल्गी, फंगाई, बैक्टीरिया, ठीक है, ये जितने भी होते हैं ये थैलोफाइटा की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब क्या है, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा क्या होते हैं, यूजुअली ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बढ़ते हैं, ठीक है, ये क्या, ये सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बढ़ते हैं, ये क्या करते हैं, यूजुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बढ़ने लगते हैं, ठीक है। आपस में अपने आप जब ये इनका प्रोडक्शन होता है, ये अपने आप को बढ़ाते हैं, जो पेड़ छोटे से बड़े होते हैं, ये बड़ी स्टेज में जाते हैं, ये जो रहते हैं थैलोफाइट है, ये तो इतनी सी एक ही साइज में रहते हैं, फिक्स साइज में, छोटी साइज में फैलते जाते फैलते जाते फैलते जाते, पर जो ब्रायोफाइटा रहते हैं ये बड़े होते हैं, पर ये कैसे होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से, ठीक है, लैंगिक प्रजनन की वजह से ये बड़े होते हैं, ठीक है। टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा क्या होते हैं, ये एक तरीके से पूरे जो पेड़ बनते हैं वो बनते हैं, ठीक है, इसके अंदर ब्रांचेस होती हैं, स्टेम्स होती हैं, रूट्स होती हैं, ठीक है, टेरिडोफाइटा में ब्रांचेस, रूट्स, स्टेम, शाखाएं सब कुछ होती है, ठीक है। तो ये जो कैटेगरी होती है ये टेरिडोफाइटा की होती है, ठीक है।
तो थैलोफाइटा में क्या होते हैं, कोई स्टेम शाखा कुछ भी नहीं होती है, वो बस एक छोट एक जगह पे फैलती जाती है, फैलती जाती है, फैलती जाती है, ठीक है। ये यूनिसेल्युलर होते हैं, ठीक है। एल्गी, फंगाई, बैक्टीरिया, ये सब इसके एग्जाम्पल है। ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा पेड़ बनते हैं, पर ये कैसे बनते हैं, ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं, लैंगिक लैंगिक प्रयोजन से, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है एथियोसेरेस, फुनेरिया, ठीक है। ये इसके कुछ एग्जाम्पल होते हैं। ये जंगली पेड़ होते हैं, यहाँ नहीं पाए जाते हैं इजिली, ये बड़े बड़े जंगलों में पाए जाते हैं यूजुअली, ठीक है। साउथ अफ्रीका वगैरह वहाँ पे पाए जाएंगे, ये यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। और जो टेरिडोफाइटा है, टेरिडोफाइटा क्या होते हैं, ये नॉर्मल जो पेड़ हम देखते हैं आपस में आज बाजू, जब जो भी पेड़ देखते हैं हम, ये उस कैटेगरी में आते हैं। इनके ब्रांचेज होते हैं, ये बड़े होते हैं, इनकी हाइट भी बढ़ती है, ठीक है। ये बड़े भी होते हैं, इनके अंदर ब्रांचेस भी निकलती है, ठीक है। सब कुछ होता है, एक प्रॉपर जो पेड़ होता है ये उस टाइप के होते हैं, ये उस कैटेगरी में आते हैं। जो बड़े पेड़ होते हैं उस कैटेगरी को ये बोलते हैं, जैसे टेरेस, सिलेगेनला, ठीक है, ये इसकी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब पुष्पोद्भिद, पेनरोगैमे, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, एक नग्न बीजी होते हैं और एक आवृत बीजी होते हैं, ठीक है। इसके अंदर दो टाइप्स हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं, ऐसे प्लांट्स जिनके जो बीज रहते हैं, सीड्स जो रहते हैं, वो क्या होते हैं, कवर्ड नहीं होते। जितने भी प्लांट्स जिनके सीड्स कवर्ड नहीं होते हैं, ओपनली रहते हैं। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स आपने देखे होंगे जिनके सीड्स जो होते हैं वो बाहर से ही होते हैं, ठीक है। तो जब झड़ते हैं तो वहीं पर एक नया पौधा उग जाता है। तो जितने भी सीड्स जिनके कवरिंग नहीं होती है, ठीक है, ऐसे पेड़ जिनके सीड्स की कवरिंग नहीं होती है, ठीक है, तो जो बिना कवरिंग वाले सीड्स जो रहते हैं वो क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, ठीक है। नग्न बीजी, इस नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। और एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में क्या होता है, जो बीजे होती है उसकी, वो कवर्ड रहती है एक उसके कवरिंग में, जैसे टमाटर है, बैंगन है, ठीक है। ये इनके बीज क्या होती है, कवर्ड हो रहती है किसी चीज के अंदर, तो ये क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म होते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे पेड़ होते हैं जिनकी बीजें बाहर ही होती हैं और वो सीधे गिर जाती है वहां पे, ठीक है, तो वहीं पे नया पेड़ उग जाता है। लेकिन जो एंजियोस्पर्म होते हैं, इनकी बीजों को हमको ले करके इनका रिप्रोडक्शन करवाना पड़ता है, ठीक है। तो ये फर्क है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन की व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन मियोसिस इन द सेल, ठीक है। अब सेल में दो तरीके से विभाजन होता है, दो तरीके से डिवीजन होता है, ठीक है। एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस, एक होता है सेक्सुअल और एक होता है असेक्सुअल, ठीक है। मियोसिस और माइटोसिस, ठीक है, दो टाइप के सेल डिवीजन होते हैं, सेल का विभाजन होता है या कोशिका का विभाजन होता है, ठीक है। माइटोसिस को हम समसूत्री विभाजन भी बोलते हैं और इसको हम अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, जब कोई सेल लेते हैं, ठीक है, इसका सबसे पहले इसका बेसिक पढ़ लेते हैं कि मियोसिस का नाम जो है वो फार्मर तथा मूरे ने दिया, लेकिन इसको जो खोजा था, इसकी जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी, वाइजमैन ने की थी, ठीक है। वेजमैन ने इसकी डिस्कवरी करी थी, परंतु जो इसका नाम है वो फार्मर और मूरे ने दिया था, मियोसिस। मियोसिस जो नाम है इसका वो उसको फार्मर और मूरे ने दिया था। अच्छा, इसका अर्धसूत्री क्यों बोलते हैं, जब भी क्या होता है एक सेल है, क्योंकि इंसानों के सेल की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें कितने होते हैं, 46 होते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। तो ये जब टूटता है तो कितने में बढ़ जाएगा, 23। जब एक मदर सेल, ठीक है, मदर सेल का डॉटर सेल में विभाजन हो और वो आधे आधे उसके क्रोमोसोम्स आधे आधे टूट जाते हैं, तब क्या होता है कि वो अर्धसूत्री विभाजन होता है। मतलब आधा इसका आधा आधा टूट गया, ठीक है। ऐसे इसमें चार टूटेंगे, 23 23 के, 23 23 के, है ना, तो चार टूटेंगे। ये एक स्पर्म होगा, ये एक जाइगोट होगा, ये स्पर्म होगा और ये ओवम होगा, ठीक है। ये स्पर्म होगा, ये ओवम होगा। बाद में जब स्पर्म और ओवम मिलेंगे, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है, ये जो होता है, ये जो सेल डिवीजन होता है या ये जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, ये प्रजनन अंगों में ही होता है, मादा या नर के प्रजनन अंगों में होता है, ठीक है, मेल या फीमेल के प्रजनन अंगों में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ही होता है ये स्पेशली, ठीक है, ये नॉर्मल बॉडी में नहीं होता है। तो ये क्या होता है, जब ये स्पर्म और ओवम वापस मिलेंगे तो वापस ये क्या हो जाएंगे, 46 हो जाएंगे, मतलब वापस इंसान का क्रोमोसोम आ जाएगा, ठीक है।
ये जब मिलेंगे तो ये वापस 46 हो जाएंगे, तो जब ये टूटते हैं तो ये 23 23 के पार्ट्स में टूटते हैं, ठीक है। पर जो माइटोसिस होता है, माइटोसिस में क्या होता है, ये 46 है, तो ये जब टूटेगा तो ये 46 में ही टूटेगा और इधर भी ये 46 में ही टूटेगा। अब ये जो सेल डिवीजन है, ये क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी में होता है, इसको क्या बोलते हैं, ये सोमेटिक सेल से होता है। या सोमेटिक सेल्स कौन होते हैं, जो हमारी पूरी बॉडी को बनाते हैं, जो हमारे स्किन है या हमारी बॉडी का जो हाइट है, वेट है, जितना भी होता है, जो शेप है, वो सब किसकी वजह से होता है, सोमेटिक सेल्स की वजह से होता है, ठीक है। सोमेटिक सेल्स कौन होते हैं, काया सेल्स भी बोलते हैं उनको, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो पूर्ण विभाजन होता है, समसूत्री, सम मतलब इक्वल, इक्वल में विभाजन होता है 46 46 का, फिर ये आगे जाएंगे, ये 46 46 बनेंगे, ये भी आगे जाके 46 46 में बनेंगे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये हमारी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार रहते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। जो नया भ्रूण बनेगा वो इनकी वजह से बनता है, और हमारी जो हाइट हेल्थ बनती है वो इनकी वजह से बनती है, ठीक है। अब आगे ये कहाँ होता है, जो मियोसिस होता है, ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में ही होता है, मैंने आपको बताया ये रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं। तो ये कहाँ बनेंगे, जो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ओवम, और जो पुरुषों का होता है टेस्टिस, ठीक है, वर्षण वृषण, वहां पे होता है, ठीक है। इसकी कोशिका का विभाजन जंतुओं में होता है, तो तब क्या बनता है, स्पर्म और अंडाणु। अभी मैंने बताया स्पर्म और ओवम, शुक्राणु और अंडाणु बनते हैं, ठीक है। ये एक मदर सेल है, ठीक है, इसका विभाजन हुआ तो कैसे होगा, ये स्पर्म ये ओवम, ये स्पर्म ये ओवम में, ठीक है। ऐसे स्पर्म ओवम के शेप में ये बनते हैं, ठीक है। तो अब ये जब दोनों मिलेंगे, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, लैंगिक रिप्रोडक्शन के अंदर, तब क्या होगा कि ये दोनों मिलके वापस से 46 बना देंगे, और ये दोनों मिलकर के वापस से 46 बना देंगे, ठीक है। ये कम ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है, 46 से 46 ही रहेगा, 23 23 ही रहेगा, क्योंकि क्रोमोजोम कम ज्यादा हो जाएंगे तो हम अलग कैटेगरी में हो जाएंगे, इंसान से बंदर भी बन सकते हैं, ठीक है, तो वो तो कोई बनना चाहेगा नहीं, है ना। तो जिससे गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, इसलिए न्यूनकारी विभाजन की भी कहते हैं इसको, न्यूनकारी विभाजन। क्यों, 46 से 23 हो गई, इधर भी 23 हो गई, ठीक है। तो ये धीरे धीरे आधे में बढ़ जाता है, आधे में बढ़ने के बाद वापस से पूरा हो जाता है जब स्पर्म और ओवम एक साथ में मिलते हैं तो। पर जो अंडाणु और शुक्राणु जब मिलते हैं तभी ये 46 में होता है, उसके पहले 23 23 में डिवाइड होता है। ये जो मदर सेल है उसके जो दो डॉटर सेल बनते हैं 23 23, इसके हाफ में डिवाइड होते हैं, ठीक है, इसलिए इसको अर्धसूत्री विभाजन भी बोलते हैं। अब इसके होने की कुछ स्टेप्स है, ठीक है, कुछ बेसिक स्टेप्स है। इसको चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ठीक है, थ्योरी में बाद में पढ़ाऊंगी, मैं डायग्राम में पहले समझा देती हूँ, उसके बाद में थ्योरी को हम पढ़ लेंगे, ठीक है, या साथ में ही लेके चलते हैं, ठीक है, चलो साथ में ही ले लेते हैं। अर्धसूत्री विभाजन, इसको अलग चार अवस्थाओं में डिवाइड किया है, और अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय द्वितीय भी जो होता है उसको भी चार अलग अवस्थाओं में किया गया। अब अर्धसूत्री जो विभाजन हुआ है वो पहले एक प्रोसेस में होगा, उसके अंदर अलग चार प्रोसेस होंगी, ठीक है, और फिर ये अलग एक प्रोसेस में होगा, उसमें भी अलग चार प्रोसेस होंगी, ठीक है। तो इसकी पहली प्रोसेस पढ़ते हैं, फिर दूसरी प्रोसेस पढ़ेंगे, ठीक है। पहली फेज जो है उसको प्रोफेज बोलते हैं, दूसरी को मेटाफेज, तीसरी को एनाफेज और टेलोफेज, ठीक है। प्रोफेज में क्या होता है, ये सबसे लंबी प्रोसेस होती है, इसके अंदर क्या होता है, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन और डाइकिनेसिस, ठीक है, ये चार प्रोसेस इसके अंदर अलग से होती है, ठीक है। मेटाफेज, इस अवस्था में प्रत्येक क्रोमेटिड सेंट्रोमियर से आपस में जुड़े रहते हैं, अभी पढ़ लेते कैसे, ठीक है, ये प्रोफेज है। प्रोफेज में क्या होता है, जब ये ऐसे बना हुआ रहता है, ये सेल बना हुआ है, तो इस सेल के अंदर बहुत सारा लिक्विड होता है, वो इतना कंडेंस्ड लिक्विड होता है कि उसकी वजह से ठीक से दिखाई नहीं होता, ठीक है, एक सेल समझ रहे हैं हम। इस सेल के अंदर क्या होगा, एक लिक्विड होगा जिसकी वजह से बाकी सारी चीजें प्रोटेक्टेड रहती है, ठीक है, सेल वॉल और उसके अंदर के जो लिक्विड है उसकी वजह से चीजें प्रोटेक्टेड रहती है, ठीक है। तो ये जब चीजें प्रोटेक्टेड रहती है तब हम ठीक से देख नहीं पाते उसके अंदर क्या क्या चीजें रहती है, पर उसके अंदर क्या क्या रहता है, सेंट्रोमियर रहता है, सेंट्रोसोम रहता है, ठीक है, और ये प्लास्टिड रहते हैं और क्रोमेटेड रहते हैं, ठीक है। क्रोमेटेड क्या है, ये क्रोमेटेड है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होने लगता है, ये जितने भी क्रोमेटेड्स रहते हैं, ये क्या, इसका जो पानी, इसके अंदर जो पानी रहता है, इस फेज में आकर के वो पानी क्या होता है, सूख जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, या निर्जलीकरण की प्रक्रिया होती है मेटाफेज में। तो जब मेटाफेज में निर्जलीकरण की प्रक्रिया हुई, ये सब कब होने लगता है, जब सेल डिवीजन वाली स्टेज पे पहुंच जाता है। हर एक चीज की एक लाइफ होती है, ठीक है, जब वो लाइफ पूरी हो जाती है तो वो क्या करता है, खत्म होने लगता है, ठीक है। पर उसके पहले एक लाइफ
में ही उसके बीच में एक पार्ट आता है जब उसका डिवीजन होने का टाइम आता है। तो वो जो डिवीजन होने का टाइम आता है, हम उस प्रोसेस को पढ़ रहे हैं। और ये कब होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे होता है, जो कि फीमेल और मेल के सेक्सुअल ऑर्गन्स में होता है। ठीक है, तो क्या होता है, ये जो सेल है इसके अंदर बहुत सारा द्रव है, अभी लिक्विड है, वो लिक्विड सूखेगा अगली स्टेज में, है ना। ये लिक्विड जब सूख गया तो ये जो क्रोमेटिड्स थे ये क्या होंगे, ये अपने आप को इक्वेटर पे ले आएंगे, एक लाइन में ले आएंगे। ठीक है, और जो सेंट्रोसोम है वो इधर इधर आ जाएंगे। ठीक है, अब ये जो है ये इक्वेटर लाइन पे आ गए, एक लाइन पे आ गए स्टेज में, मेटाफेज स्टेज में। अब जो एनाफेज स्टेज होता है उसमें क्या होने लगता है कि ये जो सेंट्रोसोम है ये क्या होते हैं, ये ऐसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं। ठीक है, ये एक लाइन से इससे बंधे होते हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। ठीक है, सेंट्रोमियर। ठीक है, ये सेंट्रोमियर होता है और ये क्रोमेटिड्स रहते हैं। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, ये बीच में से इसे कटने लगेंगे। ठीक है, ये जब अलग अलग होने लगते हैं तो क्या होता है, ये ऐसे रह जाते हैं, ये जो बीच में से लाइन होती है ये लाइन हट जाती है। अब ये क्या, इसे अलग हो गए। ठीक है, तो अब ये क्या करेंगे, इसे अलग अलग होकर एक एक पोल्स के पास में चले जाएंगे। ठीक है, ये अलग एक पोल में चल जाएगा या अलग पोल में हो जाएगा, ये यहाँ से इक्वेटर के हाफ में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, दिख रहा है, इक्वेटर के हाफ में डिवाइड हो जाएंगे। ये जो क्रोमेटिड थे ये आपस में ऐसे टूट गए। ठीक है, तो जब ये ऐसे टूटे और इक्वेटर की लाइन से हट करके ये इधर सेंट्रोमियर की तरफ जाने लगते हैं। ठीक है, यहाँ पे इकट्ठे होने लगेंगे। अब क्या हुआ कि ये जो झिल्ली थी यहाँ से ये भी टूटने लगेगी। इसके अंदर क्या होता है, धागे टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं बहुत सारे, तो जो धागे टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं वो इसको खींचने लगते हैं। फिर क्या होता है, वापस से क्या होता है कि ये जो सेल, ये जो झिल्ली, अब ये झिल्ली यहाँ पर से बीच में से कोलैप्स होके टूटने लगेगी। ठीक है, ये धीरे धीरे यहाँ से टूटने लगती है। ये जो होते हैं ये अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं। ठीक है, आधे आधे होकर के अपनी अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं, जैसे अभी मैंने बताया 46 का 23 23, ये आधे आधे अपने आप में बढ़ जाएंगे और फिर क्या हो गया, ये एक अलग अलग सेल्स बन जाएंगे और इसमें वापस से वो जो द्रव रहता है जो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए रहता है वो इसमें वापस से आ जाता है। अब जो माइटोसिस होता है, ठीक है, समसूत्री विभाजन, माइटोसिस में क्या होता है कि दो सेल बनते हैं, एक मदर सेल का सिर्फ दो सेल बनेंगे। ठीक है, लेकिन जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसमें क्या होता है कि एक मदर सेल से चार डॉटर सेल्स बनते हैं। ठीक है, तो अभी ये प्रोसेस एक ही बार हुई है कंप्लीट। ठीक है, ये जो प्रथम चरण था वो हुआ है, अब द्वितीय चरण अभी वापस होगा, उसमें क्या होगा, दो के चार बन जाएंगे। ठीक है, कैसे होगा, सेम प्रोसेस होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि ये जो एक अलग अलग सेल बन गए हैं आपका कंप्लीट वाले, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, वापस से ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, फिर ये इक्वेटर की तरफ ऐसे आने लगेंगे, इक्वेटर में अपने आपको ये जमा लेंगे। ठीक है, इक्वेटर में जम गए, इक्वेटर एक लाइन में जम गए। ठीक है, अब ये लाइन से वापस ये यहाँ से ऐसे अलग अलग होने लगेंगे। अभी ये क्या है, ऐसे बने हुए। ठीक है, ये सब जगह फैले हुए, धीरे धीरे क्या होगा, ये अपने आपको एक लाइन में जमा लेंगे। ठीक है, ऐसे अब क्या होगा, ये यहाँ से अलग अलग होने लगेंगे, यहाँ से टूटने लगेंगे, यहाँ से टूटने लगेंगे। ठीक है, जब ये टूटने लगेंगे तो ये अलग अलग पॉइंट्स पे चले जाएंगे। देखो, ये अलग अलग पॉइंट्स पे चले गए यहाँ पे सेंट्रोसोम सेंट्रोसोम के पास में। ठीक है, अब जब ये यहाँ पे अलग अलग पोजीशन पे बन गए, फिर वापस ये झिल्ली आपस में टूटने लगती है। तो जैसे ये झिल्ली आपस में टूटने लगेगी तो ये एक अलग सेल बन जाएगा और ये एक अलग सेल बन जाएगा, वापस इसमें द्रव आ जाएगा। इस प्रोसेस में द्रव रहता है, यहाँ निर्जलीकरण होता है, ये इक्वेटर में आते हैं, फिर ये यहाँ से बीच में टूटते हैं, एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है यहाँ, ये जो ध्रुव है इनके, इनको पोल्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो ध्रुव रहते हैं इन पोल्स पे एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है जिसकी वजह से ये आपस में टूटने लगते हैं, सेंट्रोमियर की वजह से जो बंधे रहते हैं वो चीज टूटने लगती है। जब ये टूट के अलग अलग हो जाते हैं तो फिर ये अलग अलग पोजिशन में पहुंच जाते हैं और फिर वापस से ये एक सेल का फॉर्म ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, ये दो सेल बने थे, उन दो सेल का दो सेल और बन गए, तो टोटल कितने हो गए, चार सेल हो गए। ठीक है, माइटोसिस में दो एक एक मदर सेल से दो डॉटर सेल बनते हैं और मियोसिस में एक मदर सेल से चार डॉटर सेल बनते हैं। माइटोसिस जो रहता है हमारी ग्रोथ के लिए डिपेंडेंट रहता है, रिस्पॉन्सिबल रहता है, और जो मियोसिस रहता है ये हमारे रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। ठीक है, जो आपका ऑफस्प्रिंग आता है या जो भ्रूण बनता है वो इस प्रोसेस से बनता है। भ्रूण के अंदर जो सेल बनेंगे, जो भ्रूण जब बड़ा होगा, जब बेबी का फॉर्म लेगा, जब बच्चा बनेगा, तो उसके अंदर जो सेल डिवीजन होता है वो इस प्रोसेस से होता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, चार स्टेज रहती है। ठीक है, चाइल्ड, एडल्ट और ओल्ड। ठीक है, अब जब चाइल्ड वाली स्टेज रहती है, चाइल्ड वाली स्टेज में क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी बनने लगते हैं और बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि कोई चीज है उसका लाइफ है, वो जब लाइफ खत्म हो जाती है तो मर जाता है। जो सेल होते हैं उनकी भी लाइफ होती है, तो बचपन में क्या होता है, हमारी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, तो उस टाइम तक हमको क्या चीज, सेल्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बने, हमारी कोशिका जो होती है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनने लगे, मात्रा में बनने लगे, हमको ये जरूरत होती है क्योंकि उस टाइम पे हमारी ग्रोथ होना चालू होती है। ठीक है,
तो जब हमारी ग्रोथ होती है तब क्या होता है, सेल्स को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनना पड़ता है, क्योंकि कुछ सेल मरते भी है, कुछ सेल बनते भी है। जो बनते हैं उनकी, जो बनते हैं वो नए सेल बनते जाते हैं और पुराने सेल उनकी जगह पे रिप्लेस होने लगते हैं। तो चाइल्ड वाली स्टेज में क्या होता है कि सेल्स बनते ज्यादा है और मरते कम है। एडल्ट स्टेज में क्या होता है, जितने बनते हैं उतने ही मरते हैं। और ओल्ड स्टेज में क्या होता है, बनते कम है और मरते ज्यादा है, तो इसलिए हम वृद्धत्व में आ जाते हैं। और जब ये प्रोसेस रुक जाती है तो इंसान मर जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो चाइल्ड वाली स्टेज है, एम्ब्रायो वाली स्टेज है या जायगोट वाली स्टेज है, उसके अंदर क्या होता है, मियोसिस वाला सेल डिवीजन होता है, जिसमें एक से चार बनते हैं। ठीक है, अब इसकी थ्योरी में पढ़ लेते हैं। ठीक है, यही लिखा है मैंने, मेटाफेज इस अवस्था में प्रत्येक क्रोमेटिड सेंट्रोमियर आपस से जुड़े हुए रहते हैं। मैंने अभी आपको बताया ये आपस में ही, जो ये यहाँ से बांधी हुई एक रस्सी होती है, सेंट्रोमियर होती है, आपस में जुड़े रहते हैं मेटाफेज में। एनाफेज में क्या होता है, क्रोमेटेड विकर्षण के फलस्वरूप कोशिका के दोनों ध्रुवों पर जाते हैं। अभी क्या होगा, ये यहाँ से टूट जाएगा और ये क्या होगा, यहाँ पे इसका पोल है और यहाँ पे इसका पोल है, तो ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा। ठीक है, टेलोफेज ये अंत अवस्था होती है, इसके अंदर एल और बी आकार में अवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन की दूसरी, सेकेंड चरण, ठीक है, दूसरा चरण, उसमें क्या होता है, चार अवस्था होती है वापस, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टेलोफेज सेकेंड, सेम होता है। इसमें भी जल संग्रहित कर लेते हैं और गुणसूत्र मोटे और घने हो जाते हैं वापस। ठीक है, अब ये सेकेंड स्टेज है, मतलब ये सेल बना है। ठीक है, ये सेल अभी नया बना है, तो इसके अंदर क्या होगा, वापस से पानी भराने लगेगा और ये मोटे हो जाएंगे जो क्रोमेटिड्स होते हैं, और ये इसके अंदर क्या बोलते हैं, पूरे हेल्दी बनने की कोशिश करते हैं, घने हो जाते हैं। जब ये घने हो जाते हैं फिर वापस से क्या होता है, अवस्था में केंद्रिका और केंद्रक गायब हो जाते हैं, न्यूक्लियस वापस से इसमें गायब होने लगते हैं। फिर वापस क्या होता है, सेंट्रोमियर से विभाजित होते हैं, ये आपस में विभाजित होने लगेंगे, अलग अलग होके वापस ध्रुवों पर चले जाएंगे। फिर जब ध्रुवों पर चले जाएंगे वापस इनकी झिल्ली आपस में टूट करके चारों ओर कोशिका द्रव बनाने लगती है। ठीक है, ठीक है, जब ये इस पोजिशन पे पहुंच जाएंगे, पोल्स पर पहुंच जाते हैं, जब ये पोल्स पर पहुंचने लगते हैं तो क्या होता है, ये जो झिल्ली होती है ये आपस में वापस से एक अलग से अपने आप को तोड़ने की कोशिश करती है। जब ये झिल्ली टूटने लगती है और फिर वापस बन जाती है तो क्या होता है, इसमें वापस द्रव भराने लगता है, तो द्रव भराने लगता है, ये वापस से एक सेल बन जाता है कंप्लीट। ठीक है, तो ये कंप्लीट प्रोसेस है। इसके आगे के जो लेक्चर्स है, इसके दो पार्ट और होंगे, ठीक है, बायोलॉजी के दो पार्ट और होंगे, वो आपको टेस्ट सीरीज के अंदर मिलेंगे उसके लेक्चर्स। ये जो लेक्चर्स है, फर्स्ट लेक्चर है बायो का, ये आपको यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, लेकिन जो दो दो जो इसके और लेक्चर्स रहेंगे, दो पार्ट और रहेंगे इस टेस्ट सीरीज के, वो आपको टेस्ट सीरीज में अवेलेबल हो जाएंगे, उसके वीडियो लेक्चर्स और उसके पीडीएफ आपको वीडियो लेक्चर्स उसमें अवेलेबल हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच।